तो यहाँ सेंटर यहाँ सामने से यहाँ यहाँ सामने सरदुल भाई भाई इधर बिजली वाला इधर थैंक यू। कैसा बनने वाला है वो तो आप लोग देखेंगे। इतनी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा अगर हो जाए हम लोगों को तो तब कैमरे बंद कर देना, और तो क्या कहूँ, क्योंकि बहुत समय बाद पार्टी कर रहे हैं हम सब लोग एक साथ, सो ज़्यादा होने के चांसेस हैं पानी। सो अगर हमें पानी ज़्यादा हो जाए तो कैमरा उस समय के लिए बंद कर देना। नो आई एम जस्ट किडिंग। सब लोग एक साथ मिल रहे हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल द पीपल दैट आई एम क्लोज टू, एंड आई एम गोना हैव अ गुड टाइम। ये बिग बॉस वाले ही दोस्त क्यों पूछते हैं आप? और भी दोस्त हैं मेरे जिंदगी में, और भी दोस्त हैं मेरे जिंदगी में, बहुत सारे दोस्त हैं। मैं मेरे दोस्त बहुत हैं, मुझे बहुत प्यार मिलता है। सो जैस्मिन इज गोना कम, करण इज गोना कम, जो मेरे साथ बिग बॉस में नहीं थे पर मेरे दोस्त हैं। नैना आ रही है, जान आ रहे हैं, एजाज ने बोला है, अभिनव फ़ोन करके बोले अभी तक पहुँचे हैं कि नहीं। सो या दीज आर ऑल द पीपल दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। शशांक आ रहे हैं, मृणाल आ रहे हैं, लॉट ऑफ देम, निकी आ रही हैं। ओके, सो लुक की मैं बात करूँ, यू आर हैविंग अ डिफरेंट लुक एंड हेयर स्टाइल भी काफ़ी अलग है, तो उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? ये अनुराधा और निधि ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि अलग लुक करके जाना है इस बार, तो दे वांटेड मी टू बी जस्ट कूल एंड कैजुअल दिस टाइम, एंड दैट्स व्हाट। एंड मुझे बालों से खेलना अच्छा लगता है। अंदर मेरे बाल अभिनव काटते थे पर यहाँ पे वो नहीं थे, तो मैं अपने स्टाइलिस्ट के पास गया और उनसे बाल करा के आ गया। ओके, सो अंदर क्या थीम होने वाला है आज का? वाली थीम होने वाला है, क्योंकि जब मैं हूँ तो कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा होना ही है, तो आज का वाली होने वाली है। ओके, सो आज के बर्थडे का पार्टी बर्थडे से डिफरेंट होने वाला है? जी, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैं नॉर्मली अपने बर्थडे सेलिब्रेट करता नहीं। इनफैक्ट मैंने जब से मैं मुंबई आया हूँ, जब से मैंने एक्टिंग करी है, मैंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। माय मदर वाज वेरी अनवेल, पिछले 2-3 महीनों से वो हॉस्पिटलाइज थी, वो क्रिटिकल थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था लेकिन हमने नहीं दिया था, और मिराक्युलसली कल से उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया एंड शी इज़ रिस्पॉन्सिव। तो उस वक्त मेरे दोस्तों ने कहा कि अब हम सेलिब्रेट करना चाहिए, एंड आई सेड या लेट्स सेलिब्रेट। सो दिस इज़ अ स्पेशल बर्थडे फॉर मी, क्योंकि मेरी मम्मी ऑलमोस्ट मौत के मुँह से वापस आई हैं, तो इस वजह से ये पार्टी हो रही है। ओके, सो बिग बॉस 15 कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप? बहुत कम यार, आई थिंक बिग बॉस 15 सभी लोग कम फॉलो कर रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, आप लोग कर रहे हैं, बट ज़्यादातर ऑडियंस इस बार बिग बॉस 15 देख नहीं रही है। ओके, सो जय अभी बाहर निकल चुके हैं और बहुत सारी नई एंट्रीज हुई है, रश्मि देसाई अंदर गई है, राखी सावंत अंदर गए, उनके हस्बैंड अंदर गए, तो कितना एक्साइटमेंट बढ़ जाता है आपके लिए? मुझे लगता है राखी के बच्चे, राखी के पोते पोतियाँ भी बिग बॉस जाएंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज आई थिंक जब तक बिग बॉस रहेगा, जब वो कहते हैं ना जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ऐसा रहेगा, तो आई थिंक जब तक बिग बॉस रहेगा राखी सावंत अंदर जाती रहेंगी, और कभी हस्बैंड, कभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ हस्बैंड जो भी आएंगे वो जाते रहेंगे। ओके, सो तेजस्वी और करण के जो तेजराज हैं, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं फेक है, रियल है, तो आप किस तरह से बन? मेरा मन करता है मैं कुंद्रा को लपड़ मार दूँ, क्योंकि मुझे जलन होती है उससे, बिकॉज इनफैक्ट मैंने उसको बोला भी था व्हेन ही वाज गोइंग इनसाइड। सो आई हैव डन अ शो कॉल्ड टीपीएल विद तेजू, एंड तेजू इज़ वेरी क्यूट, सभी लड़कों को तेजस्वी बहुत क्यूट लगती है, तो ये मेरे साथ हमेशा होता है, जब मुझे कोई लड़की क्यूट लगती है तो कोई और लड़का वहाँ आके लाइन मारने लग जाता है, जैसे रूबीना तो खैर अभिनव के साथ ही घुसी थी तो कोई चांस नहीं था, जैस्मिन से उम्मीदें थी लेकिन अली मेरा भाई था तो वहाँ भी कुछ हो नहीं सका, अब यहाँ उम्मीद थी, यहाँ करण कुंद्रा बीच में घुस गया, तो मतलब मेरा मुंह तोड़ने का मन कर रहा है उसका। ओके, सो आपको लगता है कि करण कुंद्रा फेक कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि फेक कर रहे हैं, बिकॉज फेक लोग कर रहे थे जिसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया, पर अब वो लोग बाहर हैं। ओके, सो लास्टली अपने फैंस को कहना? थैंक यू, जस्ट अ बिग बिग थैंक यू दैट जब मेरी मॉम अनवेल थी, इतने सारे लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे ऑफ देम डूइंग दुआ, सम डूइंग प्रेयर, सम गोइंग टू टेंपल्स, थैंक यू सो मच, उसकी वजह से आज वो वापस आ गई हैं, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ जी।